देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में राजस्व कर का प्रमुख सोर्स क्या है? हरियाणा के अंदर राजस्व जो टैक्स है उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा बी, बिक्री कर। में हरियाणा का जो राजस्व है, हरियाणा का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है, उसमें जो बिक्री कर है उसका सबसे बड़ा रोल यहाँ माना जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में कहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता है? दोस्तों हरियाणा में सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो गुड़गांव यानी गुरुग्राम से प्राप्त होता है, जो पूरे हरियाणा का अकेला 60% प्लस टैक्स को देता है। क्वेश्चन नंबर दो, गजरिया आभूषण पहने जाते हैं। दोस्तों गजरिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, इसमें अंक का नाम इन लोगों ने पूछा है। तो गजरिया आभूषण दोस्तों पांव में पहने का एक आभूषण है। दोस्तों पहनावे के ऊपर भी हरियाणा में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह आंसर रहेगा बी यानी पांव। क्वेश्चन नंबर तीन, सराय अली वर्दी खां मस्जिद किसने बनवाई थी? सराय अली वर्दी खां मस्जिद का निर्माण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का एक राजा था, जिसके ऊपर हाल ही में एक मूवी भारत में बनी, जिसके बाद देश के अंदर काफी बवाल भी मचा। सराय अली वर्दी खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर चार, ब्रह्म सरोवर को किसने खुदवाया था? दोस्तों पहला ही क्वेश्चन ये रहेगा कि ब्रह्म सरोवर कहाँ है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर और मान सरोवर दोनों कुरुक्षेत्र में है, और ब्रह्म सरोवर का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत से पहले से इस सरोवर के वर्णन मिलते हैं। ब्रह्म सरोवर का निर्माण दोस्तों राजा कुरु ने करवाया था। क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर पांच है दोस्तों, पंडित श्री राम शर्मा ने किस आंदोलन में भाग लिया? पंडित श्री राम शर्मा ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ, भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया गया आंदोलन था, जिसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया। हरियाणा की तरफ से पंडित श्रीराम शर्मा भी इसमें शामिल हुए। ये भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो 1919 के अंदर अंजाम दिया गया था। इस आंदोलन को बहुत बड़े जोर शोर से देश का समर्थन भी मिला था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सुचेता कृपलानी किस जिले से है? सुचेता कृपलानी का संबंध दोस्तों अंबाला जिले से रहा है। आंसर रहेगा बी। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, सुचेता जो कृपलानी है वो भारत की पहली महिला सीएम है। भारत की पहली महिला सीएम चीफ मिनिस्टर, कहाँ की चीफ मिनिस्टर बनी थी? वो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी थी। क्वेश्चन नंबर सात, राधा कृष्ण लेब स्कूल कहाँ पे है? राधा कृष्ण लेब स्कूल दोस्तों भिवानी के अंदर है। आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर आठ, लाल चेस्टनट मृदा यानी रेड सोयल भारत में कहाँ पाई जाती है, यानी हरियाणा में यहाँ क्वेश्चन रहेगा कहाँ पाई जाती है? आपका आंसर रहेगा दोस्तों यमुनानगर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस मिट्टी के अंदर सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है, तो आपका आंसर रहेगा गन्ना, इंग्लिश में हम कहेंगे शुगर के। क्वेश्चन नंबर नाइन, 1974 में हरियाणा में कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई, यानी हरियाणा में 1974 में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी? तो दोस्तों 1974 की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा में बीरा सेरा भी आई थी और घटोत्कच भी आई थी। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? सी, दोनों ही। बीरा सोरा और घटोत्कच दोनों ही फिल्में हरियाणा के अंदर 1974 में रिलीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसे दिया जाता है? दोस्तों महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान रहे हैं, जिन्होंने बड़े से बड़े ग्रंथों की रचना भारत के अंदर करने की शुरुआत की थी। तो महर्षि वाल्मीकि का संबंध जो है वो संस्कृत से था, तो संस्कृत के एक बड़े विद्वान को हरियाणा में अब भी हर साल महर्षि वाल्मीकि अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर होशियार सिंह किस जिले से रहे हैं? मेजर होशियार सिंह का संबंध दोस्तों हरियाणा के सोनीपत जिले से रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब किया गया था? दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भीम पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, यानी कितना अमाउंट भीम अवार्ड में होता है? आंसर रहेगा 5 लाख यानी 5 लैक्स।
क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यानी हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आंसर रहेगा दोस्तों 1969 यानी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध नगर नौरंगाबाद किस जिले में पड़ता है? दोस्तों नौरंगाबाद का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले यानी भिवानी डिस्ट्रिक्ट से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, शीतला माता मंदिर का निर्माण या नाम किसकी माता के नाम पर रखा गया? दोस्तों क्वेश्चन, इसका आंसर तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं शीतला माता मंदिर भारत हरियाणा में कहाँ है, तो आपका आंसर रहेगा गुड़गांव यानी गुरुग्राम। शीतला माता मंदिर का नाम गुरु द्रोणाचार्य की माता के नाम पर रखा गया था, गुरु द्रोणाचार्य की माता का नाम शीतला देवी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 17, ममता सौदा का संबंध किस जिले से है? ममता सौदा का संबंध दोस्तों कैथल जिले से है। ममता सौदा एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है और हाल ही में इन्होंने हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है करोह माउंट एवरेस्ट के माउंट की हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करोह पर इन्होंने अपने बेटे का जन्मदिन मनाकर ये चर्चा में आई है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राण सांगली किसकी रचना है? प्राण सांगली दोस्तों चौरंगी नाथ की एक बड़ी उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, 71 फीट ऊंचा शिवालय कहाँ पर स्थित है? 71 फीट ऊंचा शिवालय दोस्तों तारा बाबा की कुटिया के अंदर है। तारा बाबा की कुटिया दोस्तों हरियाणा के सिरसा में है। याद होगा आपको पिछली हुड्डा सरकार में जो एक होम मिनिस्टर बनाए गए थे गोपाल कांडा का क्षेत्र ये माना जाता है। तारा बाबा की कुटिया के अंदर उनका काफी आना जाना बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, जहाज कोठी किस जिले में है? जहाज कोठी दोस्तों हिसार में है, जहां पर थॉमस जॉर्ज आकर रुके थे। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, यदि आप दिल्ली एनसीआर में नहीं हैं और आपको नोट्स की जरूरत है, एलडीसी का अलग से लेकर आईएएस तक के नोट्स और अलग अलग स्टेट्स के स्टेट एग्जाम के नोट्स अगर आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत कीजिए, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर विजय के नाम से आप अपने मोबाइल में सेव कर लें और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज और नाम और स्टेट के साथ आप भेज दीजिए। उसी के साथ आपको अगर वीडियो क्लासेस चाहिए हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जैसे स्टडी पोर्टल सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आपको नजर आएगा, जहां पर ये पिक और ये डीपी लगी होगी, आप उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी हर लिस्ट में जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स उसमें देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा यहाँ है ताकि मैं अगले क्वेश्चन पढ़ूं या अगले क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेन करूं, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो मेहनत आप लोग अपनी सपनों को साकार करने के लिए कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सहयोग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना देना चाहता हूं, उसे आप स्वीकार करें और अपनी मेहनत को एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से लागू करने के लिए सुचारू रूप से चालू करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर शादीलाल का संबंध किस जिले से है? दोस्तों सर शादीलाल का संबंध जो है वो रेवाड़ी जिले से रहा है और शादीलाल जी के ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, शादीलाल फर्स्ट इंडियन थे, पहले भारतीय जो पाकिस्तान में जज बने। शादीलाल प्रथम भारतीय थे जो पाकिस्तान के अंदर जज बने, पाकिस्तान में पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के वो जज रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22, हर्षवर्धन का वास्तविक नाम क्या था? हर्षवर्धन का वास्तविक नाम दोस्तों हर्ष हुआ करता था। हर्षवर्धन वर्धन और पुष्यभूति वंश का राजा था। पुष्यभूति जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं का राजा था। इनकी राजधानी पूछी जाती है कई बार थानेश्वर थी। 606 ईस्वी में वो राजा बने। उनके पिता का नाम था दोस्तों प्रभाकर वर्धन। उनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट जिन्होंने हर्षवर्धन पर हर्षचरित नाम की पुस्तक लिखी। ये कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बचपन का नाम क्या था, उनके दरबारी कवि कौन थे, उनकी रचना क्या थी, उनको ऊपर जो लिखी गई थी बाण भट्ट ने, पिता का नाम क्या था, वंश का नाम क्या था, राजधानी क्या थी, राजा कब बना, ये कई सारे क्वेश्चन इसके बारे में बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सती मेला कहाँ पर लगता है? सती मेला दोस्तों होडल, आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24, चांद राम ने विश्व रिकॉर्ड कब बनाया?
चांद राम ने 1982 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बढ़ाया। कई बार पूछते हैं चांद राम का संबंध किस खेल से था। चांद राम पैदल चाल के खिलाड़ी हुआ करते थे, एथलीट हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया था। गोपालगिरी का दुर्ग दोस्तों आंसर रहेगा ए, बलबन ने बनवाया था। बलबन के ऊपर कई क्वेश्चन पहले भी आते हैं। बलबन किस वंश का राजा था, स्लेव यानी गुलाम वंश का राजा था, जो 1266 से 1286 तक अपनी गद्दी पर रहा। उसकी नीतियां थी नौरोज का त्योहार और सिजदा पर था। एक पॉलिसी इसकी थी लोह और रक्त, लोह और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 26, डफ नृत्य किस जिले में लोकप्रिय है। डफ नृत्य का संबंध दोस्तों किस जिले से है, आंसर रहेगा सी, महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वाधिक प्राचीन संस्कृति के संकेत कहां से मिले हैं। सबसे पुराने संस्कृति के संकेत दोस्तों सीसवाल से मिले हैं, जो हरियाणा के हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन नदियों का नगर किसे कहा जाता है। प्राचीन नदियों का नगर तोहाना को कहा जाता है, आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, सूरजकुंड मेले का प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा था। सूरजकुंड मेले का प्रथम फोकस राष्ट्र दोस्तों मिस्र था, जिसको इंग्लिश वाले बच्चे इजिप्ट कहते हैं। सूरजकुंड मेला कहाँ लगता है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों, आंसर रहेगा फरीदाबाद। आपकी बार का स्टेट इसका फेमस कौन सा था, आपकी बार का स्टेटस था दोस्त स्टेट था यूपी। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ बना, आंसर रहेगा बाड़सा। आंसर है दोस्तों डी, बाड़सा। कई बार डिस्ट्रिक्ट पूछ लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेंगे तो आंसर होगा आपका झज्जर। क्वेश्चन नंबर 31, नोरंग पर्यटन स्थल कहाँ है। नोरंग पर्यटन स्थल का संबंध इनमें से किस जिले के साथ है, तो इसका अगर आंसर आपने देखना है तो आप कोशिश कीजिए कि गैस करने की कि कहाँ पे इसका आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों रोहतक, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 32, घग्गर नदी किस जिले से बहती है। दोस्तों इनमें से कई, हालांकि जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा, अगर ऑप्शंस ना हो तो फिर आंसर कई सारे हो सकते हैं, हिसार से, सिरसा से, कई जिलों से संबंध रहा है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा दोस्तों घग्गर का वो रहेगा आपका पंचकूला, पंचकूला आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नहर से सिंचाई किस जिले में होती है। जवाहरलाल नहर से सिंचाई का संबंध दोस्तों महेंद्रगढ़ से रहेगा, आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 34, बांगरू का ठेठ क्षेत्र कौन सा है, बी हिसार। क्वेश्चन नंबर 35, डिगल का शिवालय किसने बनवाया था, आंसर होगा ए, लाला धनीराम ने डिगल का शिवालय बनवाया था। छोटी पीतल नगरी किसे कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखना छोटी पीतल नगरी अगर पूछा गया है तो पीतल नगरी आप आंसर नहीं देंगे। अगर पीतल नगरी आंसर क्वेश्चन होता तो आपका आंसर होता रेवाड़ी, लेकिन अगर छोटी पीतल नगरी पूछा है तो आपका आंसर होगा जगाधरी। जगाधरी यमुना नगर के अंदर है, ऑप्शन है इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 37, चंद्रावल फिल्म कब प्रदर्शित हुई। चंद्रावल फिल्म को कब रिलीज किया गया, आंसर है 1984, ए ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा का पहला भीम अवार्डी कौन रहे हैं, आंसर है दोस्तों सुनीता। सुनीता को हरियाणा का पहला भीम अवार्ड मिला था। क्वेश्चन नंबर 39, राव तुलाराम इनमें से क्या थे। दोस्तों राव तुलाराम एक स्वतंत्रता सेनानी थे, रेवाड़ी के रहने वाले थे, काफी बड़ा योगदान उनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध टायर ट्यूब उद्योग किस जिले में है। टायर ट्यूब इंडस्ट्री दोस्तों हरियाणा के फरीदाबाद की सबसे ज्यादा चर्चित और प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 41, शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है, आंसर होगा दोस्तों आपका, सोचेंगे आप कहाँ का आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है सोनीपत, सोनीपत के फिजुलपुर से, सोनीपत के फिजुलपुर से ये मूर्तियां मिली थी। क्वेश्चन नंबर 42, जूही चावला का संबंध किस क्षेत्र से है। जूही चावला का संबंध अभिनय से था,
वो एक आर्टिस्ट थी, बेहतरीन एक्ट्रेस रही हैं, ऑप्शन रहेगा डी। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अगर डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन आता है तो आंसर होगा अम्बाला। क्वेश्चन नंबर 43, 43, गांव की ओर, ये एक उपन्यास है, किसकी रचना है दोस्तों? आंसर होगा मधुकांत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 44, जंगल बेबलर पर्यटन स्थल किस जिले में है? आंसर है दोस्तों रेवाड़ी। जंगल बेबलर की जगह कई बार सैंड पाइपर भी कह देते हैं, उसका आंसर भी आपका रेवाड़ी आएगा। क्वेश्चन नंबर 45, लिंगिया या लिंगियाज विश्वविद्यालय किस जिले में है? आंसर है हमारा फरीदाबाद, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहला लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ? हरियाणा में सबसे पहले लोकायुक्त अधिनियम 1997 में आया था। दोस्तों जैसे सेंटर के लिए लोकपाल की मांग होती है, वैसे स्टेट के लिए लोकायुक्त का वर्णन होता है, हमारे संविधान में ये वर्णन किया गया है। तो हरियाणा में पहली बार लोकायुक्त अधिनियम जो आया, एक्ट आया, 1997 में आया था। इसी के साथ दमतान साहिब गुरुद्वारा किस जिले में है? आंसर रहेगा दोस्तों जींद। अगर जिला ना पूछ करके तहसील पूछ लें तो आंसर होगा नरवाड़ा, और अगर गांव का नाम पूछ लें तो धमतान यहाँ का इस गांव का नाम है। धमतान साहिब गुरुद्वारा हरियाणा का एक फेमस गुरुद्वारा है जो जींद जिले के नरवाड़ा तहसील के धमतान गांव में मौजूद है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, सीरीज नंबर 3 लेकर मैं कल फिर आपके साथ आऊंगा। इसी से पहले आप दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करते रहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके